खबरों की ओर। JK 24/7 न्यूज मध्य प्रदेश के स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के कोरोना काल में अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह जेल एवं विधि तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा व विशेष अतिथि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पूरे प्रदेश से आए JK 24/7 न्यूज के रिपोर्टरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कोरोना में कवरेज करने वाले अन्य न्यूज़पेपर व न्यूज चैनल के पत्रकारों व डॉक्टर एवं समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। प्रमुख रूप से इन सभी विभूतियों को सम्मानित किया गया। महेश दीक्षित संपादक दैनिक, अमृत दर्शन, विकास तिवारी स्टेट ब्यूरो चीफ प्रदेश टुडे, अजय भटनागर ब्यूरो चीफ भोपाल सहारा समय, प्रवाल सक्सेना संपादक फाइन न्यूज, अनूप सक्सेना संपादक साधना न्यूज, सुनील श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, सरस्वती चंद्र वरिष्ठ पत्रकार ईटीवी भोपाल, पूजा खोदानी एडिटर एमपी ब्रेकिंग न्यूज, नंदिनी मिश्रा एडिटर JK 24/7 न्यूज भोपाल, अजय श्रीवास्तव नीलू समाज सेवी, चंद्रमान सिंह समाज सेवी, राजन नायर समाज सेवी, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौरव अग्निहोत्री को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में JK 24/7 की पूरी टीम को कोरोना काल के दौरान कार्य करने पर बधाई दी। तो वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने JK 24/7 टीम की सराहना की। JK 24/7 न्यूज के जिला ब्यूरो प्रकाश जायसवाल, जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा पवन पाठक, जिला ब्यूरो सिवनी जेएन श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो सागर तबरेज खान, जिला ब्यूरो इंदौर कन्हैया ठाकुर, जिला ब्यूरो मंडला सीपी निगम, जिला ब्यूरो सतना राकेश शिवहरे, जिला ब्यूरो राजगढ़ हेमंत कुमार, जिला ब्यूरो ग्वालियर धनंजय श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो पन्ना गोपाल शर्मा, जिला ब्यूरो अशोकनगर शेख शाबुद्दीन, जिला ब्यूरो निवाड़ी लोकेंद्र सिंह, जिला ब्यूरो टीकमगढ़ अवधेश श्रीवास्तव, जिला ब्यूरो नरसिंहगढ़ पुष्पेंद्र त्यागी, जिला ब्यूरो भींड रमेश राजपाल, जिला ब्यूरो रायसेन नीरज दुबे, जिला ब्यूरो विदिशा नीरज गुप्ता, जिला ब्यूरो अनूपपुर अनीश खान, जिला ब्यूरो खंडवा सारिका खान, जिला ब्यूरो बुरहानपुर राजेश सोनी, जिला ब्यूरो मंदसौर तहसील रिपोर्टर अता मोहम्मद, तहसील रिपोर्टर मनावर राजेश जैन, तहसील रिपोर्टर मुंगावली देवेश चित्रांशी, तहसील रिपोर्टर चाचौड़ा भगवान सिंह उमट, तहसील रिपोर्टर नरसिंहगढ़ राजू मेहरा, तहसील रिपोर्टर बैरसिया घनश्यामाबाद भुवनलाल कुशवाहा, तहसील रिपोर्टर परासिया सुमेरा लाल रैदास, तहसील रिपोर्टर निवास राम मीना रिपोर्टर देवास, अशोक सोनी तहसील रिपोर्टर लटेरी, आरिफ शेख तहसील रिपोर्टर आष्टा, पुष्पेंद्र सिंह तहसील रिपोर्टर देवरी, ओम प्रकाश तहसील रिपोर्टर कन्नौद, नितिन भूते तहसील रिपोर्टर सौसर, बब्बर सिंह धाकड़ तहसील रिपोर्टर चांद, गजानंद सोनी तहसील रिपोर्टर चौरई, प्रियंका सोनी तहसील रिपोर्टर हरई, रहमान शाह तहसील रिपोर्टर अमरवाड़ा, सुरेंद्र सातनकर तहसील रिपोर्टर उमरेठ, नरेंद्र राय तहसील रिपोर्टर तामिया, ज्ञानेंद्र इंद्रोकर तहसील रिपोर्टर बिछुआ, विष्णु कुमार भट्ट तहसील रिपोर्टर जुन्नारदेव, अनिल जाट तहसील रिपोर्टर शुजालपुर, संजय सिंह तहसील रिपोर्टर पचौर, जितेंद्र द्विवेदी तहसील रिपोर्टर मेहर, रामकृष्ण पौराणिक तहसील रिपोर्टर सिमरिया, मुकेश राय तहसील रिपोर्टर कोतमा, आशीष तिवारी रिपोर्टर चुरहट, रमेश शेखले तहसील रिपोर्टर जुन्नारदेव सिटी, अमित श्रीवास्तव रिपोर्टर इंदौर, मोहम्मद परवेज खान रिपोर्टर इंदौर, जमुना मिश्रा रिपोर्टर इंदौर, राजेश चौधरी रिपोर्टर इंदौर, सैद नजीब रिपोर्टर इंदौर, सुरेंद्र श्रीवास्तव वीडियो जर्नलिस्ट भोपाल, आशीष यादव तहसील रिपोर्टर अजयगढ़, बलदेव सिंह चौहान तहसील रिपोर्टर जैतरी, आशीष मालवीय वीडियो जर्नलिस्ट छिंदवाड़ा, निर्मल सोलंकी विशेष संवाददाता उज्जैन को भी सम्मानित किया गया। थे उनकी सभा में नरेंद्र मोदी जी के साथ में जिस तरीके से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी खड़े हुए थे और लाखों की जनता जो है तो इनको जो है तो जिस तरीके से निहार रही थी और जिस तरीके से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश की जवाबदारी हो चाहे गुजरात की जवाबदारी हो जिस तरीके से निभाई है उस वो सब आप सभी के सामने है। और मैंने मेरे से जब मेरे वहां के संवाददाता पूछ रहे थे कि ये इंद्र के समान दिखने वाले कौन व्यक्तित्व के धनी है तो मैंने कहा ये हमारे यहाँ के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी है।
तो साथियों, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी वो नाम है जो पूरे प्रदेश में ही नहीं, आने वाले समय में जो है तो हर जगह पे देश में भी अपने सभी के दिलों पर राज करते हैं और आप और हम सब के दिलों पर राज करते हैं। चूंकि उनके पास समय कम है, एक मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि वो हमें आशीर्वाद देंगे हम सभी को, और उसके बाद में हमारे 10-20 साथियों को जो है तो वो सम्मानित करेंगे और बाकी लोग पीछे आके प्लीज खड़े हो जाएंगे, ताकि आप सभी के मन की बात वो समझ रहे हैं कि आप सभी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो धीरे से आके उनके पीछे आप खड़े हो जाएंगे। तो महेश दीक्षित जी आए और सम्मान प्राप्त करें। श्रीवास्तव का मेरे पर पूरा अधिकार है, इसलिए इसमें भी है अधिकार भी है, इसलिए उसके किसी कार्यक्रम में वो मुझे बुलाए नहीं और मैं जाऊं नहीं, दोनों ही नहीं हो सकता। बड़े कठिन दौर से हम लोग निकले हैं और आपसे ज्यादा उसको कौन समझ सकता है, क्योंकि तो जब वो कई बार हम लोग भी घर के अंदर होते थे तो भी आप लोग सड़कों पर होते थे। पूरी दुनिया के साथ साथ हम मध्य प्रदेश में भी इस महामारी को नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं। पहली लहर और जैसे तैसे मुक्ति मिली, तो उससे ज्यादा भयानक दूसरी लहर, और अभी भी डराते रहते हो आप लोग कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। बाकी बातें जो अभी जीओ की थी, लेकिन सच में जिस लगन और मेहनत से वो काम करते और अपने काम के प्रति जो वो डिवोटी और डूबे रहते हैं, वो जरूर अद्भुत है। मेरी मान्यता है कि सबसे महत्वपूर्ण मीडिया जगत और इसके अंदर जो ग्रॉस रूट पे काम करते हैं वो अभावों में पलते हैं, अभावों में पलते हैं, अभावों में पढ़ते हैं। मैं मालिकों की तरफ नहीं जा रहा कि मालिक कैसे क्या होते हैं, लेकिन जिनके कारण से हम दिखते हैं या जिनके कारण से हम टिकते हैं, वो लोग अभावों में बहुत हैं। उसके बाद संघर्ष करते हैं। अब कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की चर्चा थी, लेकिन उनकी जो चर्चा थी वो मीडिया के कारण थी और उनकी चर्चा के कारण से मीडिया की चर्चा नहीं थी, कोरोना की चर्चा थी। आखिर दिख तो आप ही के कारण से लॉकडाउन रहा था, आप ही के कारण से प्रवासी मजदूर दिख रहे थे, आप ही के कारण से जो रिश्ते चूर चूर हो रहे थे वो दिख रहे थे, भयावहता दिख रही थी और आप लोग नहीं दिख रहे थे। ऐसी पीड़ादायी स्थितियां जब व्यक्ति को व्यक्ति से मिलने में तकलीफ हो जाती थी, ऐसे छोटे से हॉल में इतने लोग इकट्ठे हो जाएं और कोई एक छींक दे तो पूरा का पूरा हॉल कोमा की स्थिति में आ जाता था, कोई खांस दे तो बाकी के लोग कहते यार तू बाहर तक हुआ। उस दौर में भी आप सब लोग, मुझे ध्यान है जब फर्स्ट कोरोना की प्रथम दौर था जो तमाम तरह के भय भ्रम आशंकाओं को लिए हुए था, रोज शाम को मेरे घर पर प्रेस वार्ता होती थी, सरकार ताजी ताजी बदल के बनी थी, तो मैं देखता था कितनी विपरीत परिस्थिति में जब परिंदे उनके परों की भी आवाज नहीं आ रही है तब आप लोग आ जाते थे। श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बधाई धन्यवाद, मेरे लायक जब भी जो भी जहां भी हो हाजिर।